नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। नित्य न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। और मैं आपके साथ विनोद कुमार। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री एवं दतिया से विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दो दिवसीय दौरे के दौरान मेडिकल कॉलेज में आयोजित क्राइसिस मीटिंग में हुए सम्मिलित। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा योजनाबद्ध तरीके से बाजार को खोला जाए, जिससे कोविड-19 की गाइडलाइन पर किसी भी प्रकार का फर्क ना पड़े। बेवजह घूमने वाले लोग घरों में ही रहें, इस तरीके की योजना बनाकर बाजार नियंत्रण किया जाए। सब्जी, फल, चाय, नाश्ता वालों को समय सुनिश्चित कराकर खोलने की अनुमति पर विचार किया जाए, जिससे कोरोना संक्रमण पर भी विराम लगाया जा सके। इस दौरान डीएम संजय कुमार, एसपी अमन सिंह राठौर, एडीएम एके चंदेल, डीन राजेश गौर, एएसपी कमल मौर्य एवं क्राइसिस मीटिंग के सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने स्वास्थ्य सफाई कर्मचारियों को आपदा की इस घड़ी में योगदान को लेकर टिफिन उपहार स्वरूप भेंट कर इनके कार्य की सराहना की। आखिरकार क्या कुछ कहा गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, देखिए दतिया सिरजनी रिटोरिया की खास खबर। टपरी वालों को घर रहने, टपरी वालों के लिए नहीं है, सिर्फ सब्जी वालों को या उनको रखें। बाकी जो कोरोना की गाइडलाइन है, प्रशासन मास्क के सुझाव आया और बाकी चीजें आई, उसका तो कड़ाई से पालन सभी लोग करेंगे ही। लेकिन इसको अगर अपन ऐसे करके थोड़ा सा विभाजित करें, बोले अपन अपने सुझाव इनको दे चले, निर्णय इनको करने देना। जैसे मैं पहले लॉकडाउन में कहता था कि फ्री फॉर ओपन को करने दो, पर ऐसे अगर अपन इसको खंडित कर दें थोड़ा सा एक साथ, जैसे अपन ने पूरा बाजार भी सुबह खोल दिया, चाय पकौड़ी भी खोल दी, सब्जी भी खोल दी, दूध भी खोल दिया, तो इसमें ये होगा कि सब्जी वाले की मतलब 4 घंटे में 6 से 10 में सब्जी न भी बिकी तो शाम को आप उसे फिर 6 से 10 दे दो, 6 से 9 दे दो, 6 से 8 दे दो, 5 से 8 दे दो, तो वो शाम को बेच लेगा अपनी और उसे मालूम होगा कि मेरे पास इतना मटेरियल बचा है, कम ज़्यादा में बेच के मेरे को ये खराब नहीं करना है माल को। 2 टाइम सब्जी और दूध वालों को मिलना चाहिए। मोहल्ले में जो दुकान है, जो एकल दुकान कहलाती है, परचुनी की वगैरह वगैरह, वो परमानेंट है। तो आदमी को जो दस्तक वाली दिक्कत है, वो उसके बाड़ में या उसकी गली में उसको वो नॉन तेल लकड़ी मिल रही है परचुनी। एकल दुकान जो जिसको मेन बाजार नहीं कहते, वो एकल दुकान उसकी सुविधा पे छोड़ दे, वो खोलना चाहे खोले, नहीं खोलना चाहे नहीं खोले, पर उसमें प्रतिबंध नहीं। ऐसे कुछ खंडशे अगर बना ले। अब जैसे ये सुझाव आम आया कि शहर की सीमा ऐसी ही करो, कर सकते हैं, लेकिन हवाई जो अरेंजमेंट कैसे करना है, और यदि कोई ऐसे लोग पाए जाते हैं जो लक्षण की स्थिति दिखाते